सावन के पहले सोमवार पर मंदिरों में जमकर भक्त उमड़े और भोले बाबा पर बेलपत्र व जल चढ़ाकर उन्हें मनाने का प्रयास किया गया। भगवान श्री कृष्ण की नगरी में सावन के प्रथम सोमवार पर शिव मंदिरों में लगी भक्तों की भीड़। बता दें कि सावन के पहले सोमवार पर शिव मंदिर में सुबह से भोलेनाथ के भक्तों की भीड़ लग गई। भगवान शिव के पूजन सावन के महीने में खास होता है। इसी दिन काफी भक्त शिव जी का व्रत रहते हैं, शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं। शिव पूजा का महत्व भगवान भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठा। काफी लोग शिव जी के मंदिर में बड़ी संख्या में पूजा अर्चना करने लगे और हर होर भक्तों का तांता नजर आया। इस बीच मथुरा के मुक्तेश्वर मंदिर में भी शिव भक्तों की भीड़ देखने को मिली। शिव जी के मंदिरों में कोतवाल कहे जाने वाले भूतेश्वर मंदिर में सावन के पहले सोमवार में श्रद्धालु बेलपत्र व जल चढ़ाकर पूजा अर्चना करते नजर आए। ललित उपाध्याय, मथुरा, समाचार 24। जी महाराज, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार दुबे जी। बताया सावन का सोमवार है और जिस तरह मंदिरों में आज भीड़ उमड़ी है, क्या कहेंगे इसको लेकर? सावन के सोमवार में एक तो चातुर्मास चल रहा है जी। और चातुर्मास में भोले बाबा जो है भजन करते हैं और कैलाश से उतर करके पृथ्वी पर आते हैं भोले बाबा। इसलिए जो है वैसे सावन तो ठीक ही जाते, सावन के साथ साथ चार महीने भोले बाबा की आराधना करना जो है ये समझ लो कल्याणकारी है। और भूतेश्वर महादेव में तो एक लोटा जल चढ़ जाए तो ये समझ लो बहुत बड़ी कृपा हो गई। साक्षात देवता है, बड़ी कृपा करता है और यहाँ पर जो भी दर्शन करने आते हैं उनकी बहुत मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सब प्रसन्न करके जाते हैं, प्रसन्न होकर के जाते हैं, ऐसा दरबार है। जी महाराज जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है महेंद्र शिवन गिरी। गिरी महाराज, यार बताएं सावन का सोमवार है और जिस तरह आज भूतेश्वर मंदिर पर पूजा पाठ के लिए भीड़ उमड़ी है, क्या कहेंगे इसको लेकर, क्या मानता है आज की? सबसे पहले तो भूतेश्वर भगवान की जय। और आज देख रहे हैं कि भक्तों का काफी उत्साह है। सावन मास की सभी भक्तों को व देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं व अधिक मास की भी। इस बार सावन मास और अधिक मास दोनों एक साथ आए हैं, यानी कि हरी हर का दोनों का महीना अब भी एक साथ है। और आज सावन के प्रथम सोमवार में भूतेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का तांता लगा है। ये प्रतीक है कि भूतेश्वर महादेव पे भक्तों की बहुत आस्था है, बहुत श्रद्धा है। और आज एक लोटा जल चला करके दीप चला करके भूतेश्वर महादेव सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। और काफी मंदिर में शाम को आज बाबा का फूल मंगला होगा, वह छप्पन भोग लगेंगे, उसका दर्शन करके वह अपना जीवन को प्रतिकृति करेंगे और बाबा का दर्शन करके सभी अपने काम को अपना हृदय व काम को बनाएंगे। अच्छा, बात कर रहे हैं आज ये सोमवार है और इतनी भीड़ है तो लोगों की जो मनोकामना है वो किस तरह भगवान पूरी करते हैं? देखो, भोलेनाथ बाबा के लिए ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है, केवल एक लोटा जल सारी समस्या का हल। बाबा भोलेनाथ खाली एक लोटा जल में व एक दीपक से, एक बिलपत्र से जो काम उसी काम से नहीं होगा वो काम खाली एक लोटा जल से कर देते हैं। भोले बाबा ऐसे भोले वाले हैं हमारे भूतेश्वर महादेव। बोलते रे भूतेश्वर।